हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं आशीष और हम बात करने वाले हैं पवन और अनुता की लेटेस्ट शो जो देहरादून में हुआ है उसके बारे में। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर बैठे थे क्योंकि कहीं ये एक दिली तमन्ना थी कि शायद कहीं कोई लाइव देखना मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। फ्रेंड्स, सेवेंथ का ये शो था और सुबह से लेकर रात तक का एक सिलसिलेवार चीज़ें वहाँ पर लगी हुई थी कि पहले ये लोग आएंगे, ये परफॉर्म करने वाले हैं, फिर इस तरीके से फोक सॉन्ग और फोक परफॉर्मेंसेस होंगे, देन पवन अरुणता का इवनिंग का शो था। और द बेस्ट पार्ट वॉज पवन एंड अरुणता दोनों के लाइव हमें देखना मिल गए, एंड उनके खुद के इंस्टा पर से भी थे और उनके पिताजी यानी कि सुरेश जी जो पवन के पिताजी हैं उनकी तरफ से भी लाइव हुआ था। ज्योति वॉज ऑल्सो लाइव, विलियन चॉकलेट इवेंट्स देवर ऑल्सो लाइव। हालांकि मैं इन तीनों यानी कि पवन अरुणता और सुरेश जी के लाइव पर ही जुड़ी थी तो मैंने विलियन चॉकलेट पाई का कहाँ पर से विलियन चॉकलेट इवेंट का कहाँ पर और कितना लाइव हुआ तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन की फर्क पंदा देखना मिल गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। 7 जुलाई वॉज टू गुड, मतलब माइंड ब्लोइंग शो रहा है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अनुता मतलब उसको देख के अच्छा लग रहा था कि सिंपल सोबर प्यारी सी क्यूट सी लड़की, बट आवाज़ एकदम मलिका के तौर पर से आती है। एंड उन्होंने दिल चीज़ किया है, तुझसे नाराज़ रहे ना रहे हम, प्यारी जन्मभूमि गाया। भाई मेरा तो पेट इसी बात से भर गया कि अरुणिता ने मेरी जो इच्छा थी वो पूरी कर दी और प्यारी जन्मभूमि ये वाला गाना गाया, और उसकी आवाज़ में ये गाना बहुत मीठा लग रहा था। आई मीन आई रियली विश ये वाला गाना कभी किसी रियलिटी शो में भी वो इंडियन आइडल में गा देती तो और मज़ेदार लगता, क्योंकि मज़ा आता है यार ये वाला गाना सुन के ना, बड़ा मज़ा आता है उनकी उनकी आवाज़ में, वाला गाना बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सुरेश जी खुद भी उसकी तारीफ करने लग गए थे, लाइव चल रहा था फिर भी वो मतलब उनके मुंह से ना वाह वाह ही निकल ही गई थी। ये है यार ऐसा गाना कि अरुणिता की आवाज़ में मज़ेदार लगता है। फिर ओम देवा देवा गाया, मज़ा आ गया था। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, एंकर आया एंड एंकर ने बोला कि अरुणिता की आवाज़ में आपने वाला गाना सुना कैसा लगा, एंड देन सुरेश जी को देखकर बोलता है कि ये आपने सिखाया होगा तब इतना सुंदर गा रही है। सो वो एक बहुत अनोखा मोमेंट था, बहुत क्यूट मोमेंट था जो मुझे ऐसा लगा। उसके बाद फिर पवन के लिए तो खूब वाह वाह, ये सब लोग बुलाने के लिए तैयार थे कि पवन आ जाए, अब परफॉर्मेंस पवन का होना चाहिए, तो इट वॉज गुड। पवन ने जो तुम ना हो, फिर कैसे हुआ जब वो गा रहे थे तब पब्लिक भी उसी के साथ उनके साथ पार्टिसिपेशन में आ गई थी, हवाएं आज मौसम बड़ा बेईमान है, देन एकाली वाला बहुत अलग से पीस लेकर आता है, बहुत सुंदर गाना है, एकदम आपके मन को शांत कर देता है ऐसा वाला गाना है। देन ही वेंट ऑन कीबोर्ड, देयर इज वन पहाड़ी सॉन्ग व्हिच ही सैंग जो मुझे समझ में नहीं आया, बट वो सुनने में बड़ा अच्छा लगा। अगर आप समझ गए हो कि ये सॉन्ग कौन सा तो मुझे बता दीजिए, मैं वो याद कर लूँगी ताकि अगली बार मुझे समझ में आए कि अच्छा ये वाला गाना पवनदीप गा रहे थे। और इस दौरान पवनदीप की जो इंटरेक्शन विद पब्लिक था दैट वॉज ऑल्सो नाइस। आई मीन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो वहीं साइड में बैठे हैं आसपास की वो मंडली जमा कर बैठे हैं और मंडली में जैसे बात करते हैं कि चलो चलो ये वाला गाना नहीं वो वाला गाना, अच्छा वो नहीं वो अगला सुनाता हूँ, भी ये वाला सुन लो। एंड इतना इनफॉर्मल था वो कि वो देख के अच्छा लगता है। आई मीन बहुत कम होता है कि कोई कलाकार अपने दर्शकों के साथ अपनी ऑडियंस के साथ ऐसे कनेक्ट करता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो शो कर रहा है, ऐसा लग रहा है तो यूं ही बैठे बैठे घर में चलो हम गाना गाते हैं वैसी बात हो जाती है। बट वाह, आने वाला पल एक प्यार का नगमा, लंबी जुदाई तुझे याद ना मेरी आई, और वो बेदर्दिया जब वो गा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि वो गुम हो गए हैं। आई मीन ही वॉज जस्ट सिंगिंग एंड देन ही रियलाइज किया थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो वॉट अ ब्यूटिफुल मोमेंट। आई थिंक आई वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग, पीपल हु आर ऑन लाइव दे वर ऑल्सो इन्जॉइंग, आई एम श्योर जो वहाँ पर लोग बैठे थे वो तो डेफिनेटली इन्जॉय कर ही रहे थे। ये माहौल बहुत मैजिकल था। इनफैक्ट मुझे सच में ऐसा लगा कि पवन ने अपने सुरों से माया जाल बना दिया है जिसमें हम जाकर अकड़ और जकड़ गए हैं और हम हिल नहीं सकते हैं क्योंकि उनके सुरों का मोहपाश इतना ज़्यादा है कि आप और कुछ नहीं सोच पाते हैं। इट वॉज जस्ट टू गुड, वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ द शो। ओके, फिर केसरिया एंड देन पीपल ऑल्सो स्टार्टेड सिंगिंग, एंड यारा तेरी यारी मैं तेरा यार हूँ मैं, बेड़ू पाको एंड रसिया,
आई मीन एक एक गाने ऐसे चुन चुन कर गा रहे थे ना कि मजा आ रहा था. देन ही केम ऑन तबला और मितवा ये वाला गाना गाया. एंड मितवा कोई तबले पर गाता है और उसे तबला वादन भी करता है, ये सोच के थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये ऐसा पवन कर सकता है. वाह. एंड देन ही केम बैक ऑन गिटार. मैं जा रहा हूँ, लुका छुपी, नादा परंदे, साडा हक, तेरी मिट्टी. एंड तेरी मिट्टी के साथ उनका जो गाना ख़त्म करने की आदत है वो. एंड देन अरुदीप भी आए, मेरे ढोलना, मैंने ये वाला गाना सुना. एंड वो ना मोमेंट बड़ा मैजिकल हो जाता है जब पवन और अनुता स्टेज पर होते हैं. डजेंट मैटर वो 10 सॉन्ग गाए या 50 सॉन्ग गाए, उनको देख के ही मज़ा आ जाता है कि आए हाय क्या जोड़ी है यार. आई मीन मैं तो बोलती हूँ ना, भगवान ने इनके ऊपर ऐसा मैजिक, ऐसा जादुई जल छिड़क दिया होगा, तभी ये लोग जब साथ में आते हैं तो बहुत सुंदर सिंगिंग जोड़ी बनकर आते हैं. एंड आई थॉरली एंजॉयड दिस शो. इनफैक्ट अच्छी बात ये थी कि आज शाम को मेरा शूट था, लेकिन मैं शूट में संभव नहीं जा पाई, और उसी वजह से, नहीं तो इसी टाइम पे मैं कहीं और शूट पर होती तो पूरा गाना मैं पूरा शो नहीं देख पाती, ऐसा हो जाता. लेकिन मुझे वो मलाल नहीं है, क्योंकि अगर मैं घर पर हूँ एंड आई वॉज मेकिंग नोट्स, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है व्हेन आई एम कनेक्टेड विद यू. कई बार ऐसा हो जाता है कि शूट पर होती हूँ तो अगले दिन जो क्लिपिंग्स हैं उनके हिसाब से रिव्यू देना पड़ता है, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू सपोर्ट दीज टू जेम्स. और भी म्यूजिक के जितने लोग हैं उनको सपोर्ट करने में मज़ा आता है, बट शो वॉज जस्ट टू गुड यार, इट वॉज जस्ट टू गुड, मज़ा आ गया. आपको कितना मज़ा है ज़रा लिख कर बताइए. जय हिंद.